सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अ बॉय अमन। आज नवम और कल है दशहरा, इसलिए मेरे और मेरे पूरे परिवार ने सोचा है ना कि आज हम लोग जाएंगे ना गरबा खेलने के लिए। पापा का है ना मुझे है ना सामने से कॉल आया कि है ना बेटा तुम लोग तैयार हो जाओ, आज मैं तुम लोग को ना लेकर जाऊंगा। सो मैंने पायल और खुशबू ने सोचा कि हम लोग ये मौका कैसे जाने दे, हम लोग को तो गरबा खेलना बहुत ही पसंद है, तो क्यों ना हम चलकर एंजॉय करते हैं। पायल खुशबू, हाँ भैया, अभी है ना मैं तुम लोग को एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। अरे जल्दी बताओ। अभी अभी है ना पापा का कॉल आया है कि तुम लोग है ना अपने जो कपड़े है ना वो निकाल लो, गरबा खेलने जाना है। यस, चिल्ला रही है। अरे यार गरबा का नाम सुनते ही है ना बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं। फटाफट से कपड़े निकाल ले और रेडी हो जा, क्योंकि है ना 5 बज चुके हैं और है ना 7 बजे पापा आ जाएंगे। मुझे तो चने चुले ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक चने चुली एकदम रेडी पड़ा हुआ है। अच्छा वो वाला? हाँ वो वाला, वो तो मैं पहनूंगी। धीरे धीरे तोड़ मत देना। अरे नहीं टूटेगा, मैं तो ये ब्लू वाला पहनने वाली हूँ। वो तो खुशबू पहनने वाली थी। नहीं खुशबू का नहीं है, ये मेरा है, तेरा नाम नहीं लिखा इसमें, ये मेरा है। तो कोई और पहन लेना खुशबू, उसका भी मन करता है कभी पहनने का स्टाइलिश। मैं ये पहन लूं। शादी में नहीं जाना है यार, तो फिर मैं कौन सा पहनूं? पैक वाला पहन लेना, मम्मी परसों लेकर आई है ना वो वाला। मम्मी ने रखा कैसे है? देख कितना मस्त लग रहा है ये। हाँ ये पहन ले। चल हो गया ना फाइनल दोनों का? नहीं दुपट्टा बाकी है मेरा। खुशबू तेरा चनिया और चोली दोनों ब्लैक कलर में है ना, तो तू प्रिंट वाला दुपट्टा ले ले ब्लैक कलर का। यार होना भी तो चाहिए ना। अरे है, अभी हम लोग नया ही लेके आए, देख ये कैसा लगेगा। नहीं नहीं ये नहीं, वो दूसरा लाए थे ना वो वाला ले ले। हाँ मिला मुझे ये दुपट्टा, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगेगा उस। हाँ, ये सही है। सो गाइस, मैं पायल और खुशबू ना टेरेस पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे ना हम लोग है ना स्टेप सीखेंगे गरबा के, क्योंकि वहाँ पे ना स्टेप सीखते हैं ना तो वहाँ पे ना जगह नहीं मिलती है। सो घर से सीख कर जाएंगे तो वहाँ पे ना फटाफट से कर देंगे यूनिक यूनिक स्टेप। पायल मैं तुझे ना एक स्टेप सिखाता हूँ, प्लीज वो सीख ले, क्योंकि वो वाला स्टेप ना मुझे और खुशबू को आता है, फिर तो है ना बहुत ही गुस्सा आ जाएगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं सिखाया वो वाला स्टेप। मुझे कोई भी स्टेप सिखा दो मैं सीख लेती हूँ ऐसे करके। ढोली डांस ढोली डा ढोल हैया मा वागे वागे ढोली डा ढोली डा ढोल हैया मा वागे वागे ढोली डा। एक और स्टेप पता है, एक दो तीन, ये तो मुझे बड़ा मजा आता है ये वाला स्टेप करने में। हेलो 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 मम्मी, क्या है? थोड़ी देर पहले ना मुझे पापा का ना कॉल आया था कि मम्मी को बोल दो कि फटाफट से ना वो रेडी हो जाए, अगर उसे खाना बनाना है तो बना ले या फिर बाहर खाना है तो वो भी मुझे बता दे, तो बताओ क्या करना है? आज बाहर खाएंगे। यस yes, मम्मी का आज छुट्टी है ना। सो फटाफट से रेडी हो जाओ, तुम लोग रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं रेडी। ठीक है, मुझे ना क्लास मॉनिटर वाली फीलिंग आ रही है। क्लास टीचर नहीं बोलती, कौन है क्लास मॉनिटर? जाकर ये वाली नोटिस ना सारे बच्चों को बता दो, वही काम ना आज मैं कर रहा हूँ, अपने पूरे घर के लोगों को ना नोटिस दे रहा हूँ। भैया देखो मैंने कितना अच्छा आई शेडो किया है। हाँ खुशबू बहुत ही मस्त किया है, तू तो डे बाय डे है ना बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनते जा रही है। थैंक यू, मेरी इतनी तारीफ मत करो। मैंने यूज किया है ये ब्लैक वाला कलर, ये ग्रे वाला कलर और ये सिल्वर वाला कलर। मैंने तो तुझसे पूछा भी नहीं फिर भी तूने बता दिया, मैं क्या करूंगा ये जानकर। अरे भैया मुझे भी पता है कि आपको ये कुछ काम नहीं आने वाला, मैं उन गर्ल्स को बता रही हूँ जो मेरी वीडियोस देख रही है। पायल हा? जरा इधर देख तो। हाँ बोलो। आज तो तू बड़ा जल्दी रेडी हो गई। अरे अभी मैं रेडी कहाँ हुई हूँ, अभी तो मैं सिर्फ 50% रेडी हुई हूँ। ज्वेलरी पहनना बाकी है, अभी मुझे दुपट्टा सेट करना बाकी है, हेयर्स ओपन करना। हो गया हो गया हो गया। पायल और खुशबू में से एक जन गुस्सा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खुशबू इधर आ तो। क्या है? इधर आ फटाफट। तुझे क्यों मम्मी के ऊपर गुस्सा आ रहा है जरा मुझे ये बता तो। मुझे मम्मी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे दीदी के ऊपर गुस्सा आ रहा। क्या ना, दीदी ने आज मेरे साथ चीटिंग की है। वाह वाह, क्या चीटिंग की है जरा बता तो। उसने ना सबसे अच्छा वाला चनिया चोली है ना वो ले लिया है। और जो वो ब्लैक वाला बच गया था ना एक चनिया चोली, वो मुझे दे दिया है। तो क्या हुआ क्या हुआ, जाने दे, एक बार पहन लेने दे उसका भी पसंद का चनिया चोली। हाँ तो मुझे भी वही पसंद है। अगली साल वो पहन लेना। ठीक है। सो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मेरी बहनें जो है वो रेडी हुई है कि नहीं। रेडी हो गए? हाँ हम तो हो गए रेडी, बस पापा रेडी होने बाकी है और मम्मी अभी रेडी हो रही है। हाँ तो मम्मी और पापा को बोलो फटाफट से रेडी हो जाए, क्योंकि अब मुझसे ना वेट नहीं हो रहा है, मुझे अब गरबा खेलना है, मतलब खेलना ही है। सो गाइस अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि मैंने इस आउटफिट के साथ क्या क्या पहना है।
तो सबसे पहले मैंने पहना है अपने कानों में ये झुमके, मैंने अपने गले में पहना है ये बहुत ही हैवी सा चोकर। ये नेकलेस ना हमने DIY करके बनाया है। जब कमर पे का पहनने वाला होता है ना वो टूट गया था, तो हमने इसमें डोरी लगा दी और नेकलेस बना दी। एक हाथों में पहना है ये ऑक्सीडाइज चूड़ी, दूसरे हाथ में पहनी है ऐसे आवाज करने वाली चूड़ी। वाओ, बहुत ही प्रिटी लग रही है खुशबू। मैंने पहना हुआ है ये चनिया चोली बिल्कुल ब्लू 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 कलर का। आयल ने ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी है ना? हाँ, क्योंकि मुझे ज्यादा ज्वेलरी ऐसे गरबे करते समय पहनना पसंद नहीं, क्योंकि पायल को बहुत ही गर्मी लगता है ना। हाँ, हाथों में पहनी हुई ये चूड़िया, फिर मैंने पहना हुआ इयररिंग्स, फिर पहना हुआ ये चोकर।
फाइनली हम लोग गरबा करके ना आ गए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग है ना 3:30 बजे तक ना वहाँ पे रहेंगे, लेकिन हम लोग रहकर आए हैं। सबसे ज्यादा गरबा तो मैंने किया है, पायल कुछ भी तो बोल रहे थे कि वो करेंगे सबसे ज्यादा गरबा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 1 घंटे के बाद ही ना वो लोग थक गए। मम्मी ने है ना घर पे ना कुछ भी खाना नहीं बनाया था, इसलिए मैंने है ना मंचूरियन और है ना सेव पूरी जो है वो पैक करवा ली है, तो वही हम लोग खाने वाले हैं रात के 3:30 बजे, रात के नहीं सॉरी सुबह के 3:30 बजे। सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे और आज है दशहरा। सो गाइस कल रात को गरबा करने के बाद मैं इतना थक गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह है ना मैं 11 बजे उठा हूं, बहुत ही है ना मुझे नींद आई थी, मेरे दोनों पैर ना वो भी दर्द होने लगे थे, और पैर तो दर्द हो ही रहा था लेकिन साथ साथ में मेरी पीठ जो है वो भी दर्द होने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ही है ना झुक झुक कर है ना गरबा खेल रहा था। कोई बात नहीं गाइस, मुझे ना बहुत ही मजा आया, मैंने बहुत ही एंजॉय किया इस साल की नवरात्रि। देखो गाइस इस लड़की की खुशी देखो, ये तो खुश है लेकिन साथ साथ में इसे भी बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो खाने के लिए रखी हुई है, और ये सारी चीजें ना हमारी फेवरेट है। यहाँ पे हमारे पास फाफड़ा, जलेबी, खांडवी, ये पता नहीं क्या है, चटनी आई थिंक, ये रही कड़ी, गुजराती कड़ी, और यहाँ पे है खमण। गाइस गुजराती कड़ी इतनी टेस्टी होती है ना, हाँ मीठी होती है लेकिन साथ साथ में बहुत ही टेस्टी होती है। मैं घर की बनाई हुई कढ़ी नहीं खाती लेकिन ये वाली कढ़ी मैं खा लेती हूँ। ये वाली चीज है ना वो जेठालाल की फेवरेट है, और आज ये वाली चीज जो है ना वो हर एक गुजराती लोगों के ना घर में मिलेगी, मतलब मिलेगी, सब लोग खाएंगे आज तो। दशहरे के दिन यही है ना हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है फाफड़ा जलेबी। मम्मी इसमें से ना पापा के लिए भी है ना साइड में रख दो, तो पापा रात को आएंगे ना तो खा लेंगे, बेचारे वो नहीं खाए, मम्मी सुबह सुबह ही काम पे चले गए हैं, तो खा लेंगे, तो रख दो ना साइड में, फिर जूठा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है रख देते, अब ऐसे ही मम्मी इतना सारा खाएंगे नहीं। हाँ और खाने के बाद खुशबू तू है ना पढ़ने बैठना, क्योंकि कल से ना तेरी एग्जाम है, पता है ना, तो ड्राइंग की एग्जाम है। तो क्या हुआ, ड्राइंग की एग्जाम है तो वो मत पढ़ना, पर दूसरे कोई सब्जेक्ट तो पढ़ सकती है ना पायल। ठीक है तो मैं कंप्यूटर पढ़ लूंगी। ठीक है मैं भी है ना टेस्टी टेस्टी सा खाना ना खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से है ना मैंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे बहुत जोर से ना भूख लगी है। सो होप करता हूँ आपको इस साल की नवरात्रि वाली वीडियोस जो है हमारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय बाय।